तो हे हेलो, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है हर कोई ठीक होगा, खुशबाश होगा और हैप्पी होगा अपनी जिंदगी के अंदर। क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है जिंदगी? दुख परेशानी टेंशनें जकड़ लिया है उन्होंने आपको और छोड़ नहीं रहे आपको। बस यार, जिंदगी से हार मान चुके हो आपकी यार, अब कुछ नहीं हो सकता जिंदगी का। और हार मानते मानते बस ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग के लिए मेरे चैनल पर आ जाते हो। तो लिटरली मैं आपको सच बताऊँ ना, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ऑनलाइन अर्निंग के चैनल के बारे में बताने के लिए, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। हम जो पहले अपलोड करते थे अपने रिलेटेड कुछ व्लॉगिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा प्रमोट हो नहीं रही, तो ज़्यादा सारे झूठी बातें ही प्रमोट हो रही है। लेकिन मैं झूठी बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं सच्ची बातें ही करने वाला हूँ। और जो हक बात होगी मैं वही करूँगा, और जो आपके भले की बात होगी ना मैं वही करूँगा। जो आपके नुकसान में होगी ना, मैं आपका नुकसान बताऊँगा कि वो आपके नुकसान में है, और जो आपके फ़ायदे में होगी मैं बताऊँगा कि वो चीज़ जो है वो आपके फ़ायदे में। तो थंबनेल से जो जिस मकसद से आप आए हो, वो मकसद तो छोटू साहब मैं आपको बता दूंगा कि उसका हल क्या है। आप ना इतनी जगह घूम कर आ चुके हो ना इस मसले के बारे में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप बहुत सारी जगह से घूम के आ चुके हो। बिकॉज मैं खुद ऐसा हूँ, मैं बहुत सारी जगह से घूम के आ चुका हूँ, मुझे कहीं से हल नहीं मिला। और इसका हल मुझे अपने जिसको मैंने काम सिखाया था ना, वो सिखाते सिखाते मुझे सिखा गया कि ये वाला मसला कैसे हल होना है। उसके मोबाइल की वजह से, उसका मोबाइल तो सिंपल सा था, 3-4 GB रैम वाला, 2 GB था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। बट मुझे उस मोबाइल की वजह से ये पता चल गया कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। वो एक बंदा आया मेरे पास, उसने मुझसे काम सीखा, काम सीखने के बाद उसने मुझसे आइडियाँ बनवाई टिकटॉक की फॉलो करने के लिए। जिसको नहीं पता, रिसेंटली मेरी वीडियो अपलोड है गेट लाइक के बारे में, जाके पूरी देख लें। मुकम्मल जो चीज़ें हैं मैंने उसमें बताई हैं, सारी नहीं लेकिन आगे सीरीज आएंगी, उसमें मजीद में कुछ बताने के लिए होगा तो ज़रूर बताऊंगा आपको। तो जो मेन टॉपिक था हमारा, वो बंदा मेरे पास आया, उसने मुझसे काम सीखा, आइडिया बनवाई और फॉलो किया। तो मैंने ना उसमें एक चीज़ नोटिस की कि यार वो जो बंदा काम कर रहा है ना, उसका अनफॉलो का मसला नहीं आ रहा। मतलब जब मैं यूज़ करता हूँ, मेन मसला जो हमारा आता है वो यही होता है कि जब हम टिकटॉक पर फॉलो करते हैं ना, तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली जब हम रिफ्रेश करते हैं ना उस चीज़ को, मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि अब वो मेरा मसला आता ही बहुत कम है। अगर आता हुआ तो शायद मैं दिखा भी दूँ यहाँ पर, लेकिन अब आता बहुत कम है तो शायद ना दिखा पाऊँ। लेकिन पता सबको है, क्योंकि वो सबका आता है, कोई एक का मसला नहीं है। जिसके पैसे नहीं बढ़ रहे होते, यही मेन मसला होता है। सारे मसलों का ये अकेला हल है, मतलब वही हाल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। वो बंदा मेरे पास आया, मैंने काम सिखाया, उसने काम सीखा, उसका मसला नहीं आया। मैंने उसका मोबाइल चेक किया और मैंने देखा कि यार वो उसके उसको मैंने 5 आइडियां बना दी थी और वो ज़्यादा काम नहीं करता था, वो हल्का फुल्का काम कर लेता था, हल्का फुल्का। तो वो ना बहुत कम फॉलो करता था, मगर मतलब ये कि जो टिकटॉक की गाइडलाइंस हैं हमारे पास, उसमें टिकटॉक ने हमें ये बताया हुआ है कि आप एक दिन में 200-250 लोगों से ज़्यादा फॉलो कर ही नहीं सकते। हम आपको वो एक अलर्ट दे देंगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक नहीं होता, 24 घंटे के बाद वो सही तो हो जाता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो पूरा अकाउंट डेड हो जाता है। हम फिर उससे फॉलो ही नहीं कर पाते, क्योंकि टिकटॉक को ये पता चल जाता है कि ये बार बार जो है ना ज़्यादा फॉलो कर रहा है, तो ये किसी गाइडलाइंस को तोड़ रहा है हमारे, तो इसी वजह से वो ब्लॉक कर देते हैं। और उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं किया, वो एक दिन में सिर्फ 80, 70, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 110, 120, इससे ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कि हमारे पास तो जो है वो इतने अकाउंट्स नहीं होंगे, या हम एक अकाउंट से हम 1 से 10 लोगों को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो 20, 30 या 40 रुपये जमा होंगे, और हमने तो 300-400 कमाना है डेली का, मतलब महीने का 8-10 हज़ार रुपये हमने निकालना है अंदर से, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले ना मैं आपको मैंने एक रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैं आपको वो बस जस्ट दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मेरा अकाउंट कैसा है। ये देखें, हम अपनी सिंपल आ गए स्क्रीन पर, मैंने टिकटॉक खोल लिया। इसके बाद अब मेरा अकाउंट देखें, मैंने 231 लोगों को फॉलो किया 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर मैंने इतने लोगों को फॉलो किया। मैं इन अपनी 8 आईडियों से डेली 80-80 लोगों को फॉलो करता हूँ, यानी 80 से मुराद तकरीबन 650-700 लोगों को मैं डेली फॉलो करता हूँ। मतलब कि एक अकाउंट नहीं रखना अपने पास। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना ज़्यादा अकाउंट रखने से ना मसले आ जाते हैं। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, आप वो देख कर हैरान होगे कि मैंने यहाँ 7 आइडियाँ लिंक करके रखी हुई हैं, जबकि नॉर्मल यूट्यूबर तो ये कह रहे होते हैं कि आप 2 या 3 से ज़्यादा आइडियाँ लिंक करोगे तो आपके मसले मसाइल आएंगे। और लिटरली मैं महीनों से आइडियों पर काम करता हूँ, इन कुछ ख़राब हो जाती हैं फिर मैं न्यू भी बना लेता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आइडियाँ बनाई थी मैंने। तो मसले का हल था क्या इसके अंदर, वो ये था कि आपने ज़्यादा फॉलो नहीं करने,
हर 24 घंटे में 80 या 90 लोगों को फॉलो करना है। इससे ज़्यादा आप फॉलो करोगे ना तो मसला आएगा। मतलब लिमिट तो 200 तक किया है, 200 के करीब भी आपने नहीं जाना, उससे पीछे पीछे, ताकि टिकटॉक हमारी तरफ फॉलोअर्स के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन ना भेजे। जब वो नहीं भेजेगा तो उसको ये शक भी नहीं होगा कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, वैसे तो हम नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो ही कर रहे होते हैं, तो उसकी गाइडलाइंस ब्रेक ना हो। तो ये इसका सिंपल सा हल था, आपने बस ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना एक आईडी से। जबकि आप 20-20, 30-30 आईडियाँ बना के रख लो, डेली 80-80 फॉलो कर लो, आपके $2-2.5 भी बन जाएंगे आराम से। तो वो वाला मसला नहीं है कि आपके पास टास्क या फॉलोअर्स कम आएंगे, आप ज़्यादा आईडियाँ बना लो, ज़्यादा काम कर लो, वो आपके अपनी चॉइस है, आपका अपना टाइम है। अगर तो आप स्टूडेंट हो तो कम ही काम करो, मेरा मशवरा है कि पढ़ाई पर जो है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस करो, लेकिन इस पर भी करो, क्योंकि यार एज अ स्टूडेंट जो है ना, मैं खुद ये सब चीज़ें जानता हूँ कि यार वो परेशानियाँ, वो जो दुख एक वक्त तक अपने घर वालों से मांगते हुए शर्म आती है। तो बेहतर है कि इसमें से अगर कोई 8-10 हज़ार रुपये निकल रहे हैं तो वो हमारी मंथली खर्च एज अ स्टूडेंट के लिए तो बहुत होगा यार। हम तो महीने बाद 3-4 हज़ार घर वालों से मांगे और वो मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो उसे ज़्यादा मिल रहे हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे एक मामू का लड़का है, तो वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार वो भी ये काम करता है और उसको भी ये काम आता है, और वो शायद 2 या 3 क्लास के अंदर है। मैंने उसको भी काम करते हुए देखा, मैंने उसको भी सिखाया और वो भी कर रहा है। तो जब वो छोटा सा बच्चा कर सकता है तो यार आप भी कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, वो हिम्मत है, आप ज़रूर कर सकते हो। सो दैट्स माई छोटी सी वीडियो, और उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आप सबने मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो करना है, वो करना है, और वो भी कर देना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस प्यार बरसाते रहना है, प्यार मोहब्बत बस यही करते रहना है, बस नफरत नहीं फैलानी। अगर मेरी वीडियो आपको बोरिंग लगी या पसंद नहीं आई तो गाली नहीं देनी, मतलब कि वो बैड कमेंट्स वगैरह, क्योंकि मुझ पर उनका बड़ा गंदा असर होता है यार। तो प्यार मोहब्बत फैलाते रहो, क्यों अपनी आखिरत ख़राब करते हो। खसूसन ये सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो बैड कमेंट्स कर देते हैं किसी के लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, तो यार ये अच्छी बात नहीं। अगर वो कुछ गलत कर रहा है उसका और अल्लाह का मामला है, आप कोई नहीं होते उसमें फैसला देने वाले। सो दैट्स मेरी वीडियो, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, प्यार मोहब्बत बरसाते रहो और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।